कार्यकर्ताओं की बैठकें लगातार आज दो जिलों की हुई, आने वाले दिनों में 22 के 22 जिलों की बैठकें हो जाएगी और ये तय किया जाएगा कि कितनी सीटों पर हमने चुनाव लड़ना है, किस तरह से हमने चुनाव के अंदर जाना है। मैं तो एक बात और कहूंगा, अभी दीपेंद्र हुड्डा जी अभी इस पर भी संशय है, हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने ये एक सेकंड सोनल मात्र 2 सेकंड 5 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि वोट काटने के लिए ये अलग बीजेपी की और इनकी रणनीति है कि अलग अलग विपक्षी वोटों को अलग अलग कर दिया जाए। इसका मतलब कांग्रेस के पल्ले आज वोट नहीं है, वो बहुमत की बात नहीं कर पाती, ना उनके पास वोट है ना कोई बात है, क्योंकि जो उन्होंने 10 साल तक भ्रष्टाचार का खेल खेला था उसको जनता अभी भूली नहीं है। ठीक है। सुखबीर तंवर जी मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। सुखबीर जी, अभी आपने सुना जेजेपी प्रवक्ता को, उनको उनका कहना है कि कांग्रेस के पास किसी तरह का जनाधार बचा नहीं है, पूरी तरह से हम तैयार हैं। और इसी बीच आप भी ताल ठोक चुके हैं राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में, आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए सोनल जी, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक कहावत, सत्तारूढ़ दल और जो विगत में इनके साथ थे जननायक जनता पार्टी, उस पर पूर्णतः चरितार्थ और प्रासंगिक है। मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार भेजने वाली जननायक जनता पार्टी को आज जवाब देना पड़ेगा। किसानों पे जब अत्याचार, लाठीचार्ज और जेल भेजने का विषय चल रहा था, उसका समर्थन जननायक जनता पार्टी ने किया। काले कानूनों का समर्थन जननायक जनता पार्टी ने किया और अन्नदाता का जो आंदोलन रहा 13 महीने का, उसका विरोध जननायक जनता पार्टी ने किया। इसके अलावा जो अभी आंदोलन दो जो चल रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून को लेकर, उसमें जिस प्रकार से किसान के रास्ते में कील काटे बिछाने का काम जब ये सरकार में शामिल थे उस वक्त हुआ और उन किसानों का इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो अभी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे थे 5100 पेंशन की, 4.5 साल हो गए, 4.5 साल से आज आपको 5100 की याद आई है? ये तो आपका चुनावी घोषणा पत्र में था, आपने क्यों नहीं प्रेशर बनाया? अगर आपने कोई वापस लेना था, ठीक है, बिल्कुल, अगर साझी सरकार चल रही थी तो उम्मीद थी कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नेहा जी का इनको निकाला गया, ये ठीक है।